ये बड़ी जो है आश्चर्यजनक बात है और चिंताजनक बात भी है। एक तरफ तो मंदिर में जाने का निमंत्रण दिया जा रहा है, जबकि मंदिर में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर जब आपको बुलाते हैं, जब परिस्थिति पैदा करते हैं, आपको ईश्वर दर्शन देते हैं और आप अपने भक्ति का, आस्था का जो है ईश्वर के सामने उसका जो है अर्पण करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ निमंत्रण देना और दूसरी तरफ जो है मंदिर में जाने से रोकना, ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसा नहीं है कि किसी और को जाने देने में कोई समस्या है, सब कोई जा रहा है, हमारे MP MLA जा रहे हैं, बस राहुल गांधी जी को जाने से रोका जा रहा है। तो मन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस देश में मतलब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करने की का जो है भले इतिहास रहा हो, लेकिन धर्म का जिस तरीके से आज के वक्त में राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी धर्म प्रधान देश के लिए, किसी भी व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने के लिए जो है विघ्न पैदा करना, ये मुझे लगता है कि भगवान और भक्ति का अपमान है, ये धर्म का अपमान है। और जो लोग धर्म मानते हैं उनके जो है आस्था के साथ जो है ये खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़। जो भक्ति का माहौल है देश में, जनता सराबोर है, उस उमंग में, उस उल्लास में विघ्न कौन पैदा कर रहा है, किसकी वजह से विघ्न पैदा हो रहा है ताकि सड़क पे बैठना पड़ रहा है लोगों? ओछी राजनीति, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये ओछी राजनीति है, सत्ता का अहंकार है। जिन लोगों ने आपको इस देश में गद्दी दी है, ये उन लोगों का तिरस्कार है, उनका अपमान है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में राम से बहुत सारे लोगों का जीवन चल रहा है। कुछ लोग जो है ना, आज उनसे भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं कि उनके स्थान में मंदिरों में जाने से, वहां पर जो दर्शन करने से लोगों को रोकना, ये बड़े जो है चिंताजनक की बात है। ये धर्म का अपमान है, देश का अपमान है और ये सत्ता के अहंकार की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारा तो दर्शन ये कहता है कि कण कण में ईश्वर है, तो जो है सड़क पे बैठ करके ही जो है ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति का भाव कर रहे हैं। क्या 3 बजे के बाद चल सकते हैं? नहीं नहीं, सवाल ये है कि सब कोई अभी जा रहा है, परमिशन पहले से मिला हुआ था, तो ये अचानक परमिशन किसके दबाव में जो है खारिज किया गया है, ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस तरह से आज धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी ओछी राजनीति के लिए, मुझे लगता है ये चिंताजनक बात है, ये धर्म का अपमान है। और राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सांसद हैं, और जो आपको सबको यही अपील किया है, स्वयं प्रधानमंत्री ने यह अपील किया है कि आप अपने जो है नजदीक के मंदिर में जाइए, साफ सफाई कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। तो हमारी यात्रा आज यहाँ है और शंकर देव जी का जो है स्थान है यहाँ पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, सब कोई जा सकता है, बस राहुल गांधी जी को जाने से रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइम लाइट चोरी हो जाने का डर लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि फ्रेम में कोई और ना आ जाए। मैं समझता हूं कि इतनी जो है ना असुरक्षा नहीं होनी चाहिए, इतनी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। जी, एक तरफ मंदिर के नाम पर बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसकी 2400 घंटे कवरेज हो रही है, निमंत्रण बांटा गया, दूसरी तरफ राहुल को परमिशन नहीं है मंदिर जाने का। मैं समझता हूं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। कुंडली के लिए धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है प्रेम, धर्म का मतलब होता है सत्य, धर्म का मतलब होता है न्याय, धर्म का मतलब होता है समानता, धर्म का मतलब होता है कि आपके कर्म में ही ईश्वर वास करते हैं। धर्म जो है संस्कृत के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, तो तारे का धर्म है चमकना। तो हमारे लिए धर्म का मतलब है लोगों से प्रेम, लोगों से जो है मोहब्बत, लोगों के लिए जो है न्याय, लोगों के लिए बराबरी, खुशहाली, शांति। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जो कहा जाता है धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो हमारे लिए धर्म का मतलब है सद्भावना। क्रिया के बावजूद भी आरोप तो चस्पा आप लोगों पे भाजपा कर रही है हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी होने का। अच्छा, भाजपा नहीं करेगी तो कौन करेगी बताइए? भाजपा मेरी विपक्षी पार्टी है,
और हम इस देश के विपक्षी जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, भाजपा सत्ता में है, एक दूसरे की विचारधारा जो है धूर विरोधी है, तो स्वाभाविक रूप से जो है अनर्गल आरोप लगाएगी हमारे ऊपर बीजेपी। लेकिन हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक कहावत कही जाती है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आपके नजरों के सामने है ना कि मंदिर जाने से रोका जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, एसपी आए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि सबको बाहर छोड़ दीजिए, हमको अकेले ले चलिए, अपनी गाड़ी में बिठा के ले चलिए, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आए हैं। भाई अपने ही देश में मंदिर जाने से क्या खतरा हो गया है कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़ रहा है? हम तो नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए हैं, क्यों ऐसा हो गया है? इसका मतलब धर्म के नाम पर जो राजनीति ये कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, सत्ता का अहंकार और घमंड जो इनके सर पे सवार हो गया है, इसको जनता देख रही है और इसका हिसाब और जवाब जनता ही लेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।